वालेकुम। तो जी अभी हम आ गए हैं घर, और दूध वाले भैया भी जो है हम आए उसके बाद आए थे। तो पहले मैं यहाँ बैठ जाती हूँ अभी, फिर बात करती हूँ आपसे। तो ना हम आए घर, फिर दूध वाले भैया को हमने फ़ोन लगाया कि आप सुबह कब आएंगे, क्योंकि ना फिर वो सुबह सुबह उनका कोई टाइम नहीं होता, सुबह भी आते हैं एक बार ना, तो उनका ना कोई टाइम नहीं होता। फिर बाबू के अब्बू को जो है कल जल्दी जाना है काम पे, तो बस उनको फ़ोन लगाया ना, तो वो इधर ही आए हुए थे दवाखाने में, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो दवाई लेने के लिए आए थे वो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं अभी थोड़ी टाइम में जो है तो उधर से ही जाने वाला हूँ, तो आपको दूध जो है तो देता जाऊँगा। तो बस फिर अभी हमने दूध गर्म किया और बाबू आए। सॉरी मुझे ना गेट की आवाज़ लगी, मुझे लगा बाबू तो नहीं आए। तो बस फिर अभी हमने दूध वगैरह जो है गर्म कर लिया है, और अभी हमने हरी मिर्च और टमाटर मंगाए, तो उसका हम बनाने वाले हैं ढेसा, क्योंकि खाने में जो है हम बनाएंगे सिर्फ खिचड़ी बनाने वाले हैं हम। तो ऐसा, और इतना कुछ सोच के हम गए थे, बाबू का पहली बार था, हमने इतना कुछ सोचा था कि बाबू अभी पहली बार गार्डन में जाएंगे तो कैसा रिएक्ट करेंगे वहाँ के झूले और निसट्टी वगैरह देख के, कितना मज़ा आएगा बाबू को, कितना खुश होंगे बाबू। लेकिन जो सोचा वो तो कुछ भी नहीं हुआ, उसका उल्टा ही हो गया। बहुत ज़्यादा दूर भी पड़ता है ना, तो ऐसा नहीं था कि चलो कल नहीं, कल गार्डन जो है बंद मिला तो हम आज चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब पता नहीं कब जाएंगे, संडे को जाते हैं या फिर देखते हैं कि कब जाएंगे हम, तो ऐसा। और नाजरा भी बहुत दिनों से बोल रही थी जाने का, कब से तो लॉकडाउन लगा था उस टाइम में तो सब कुछ बंद ही था, और अभी भी ना कब से वो बोल रही थी, तो जब हमने देखा था तो बंद ही था, कुछ भी नहीं खुला था। और अभी जब खुला तो इतना शौक लगा के गई थी कि मैं बहुत जो है झूला झूलूँगी, मस्ती करूँगी, ऐसा ऐसा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो खैर कोई नहीं, वही बात है, और जो सोचे वो ज़रूरी नहीं कि वो हो जाए। और ना बाबू के लिए तो मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है सोचा था कि बाबू कितना खुश होंगे, बाबू को मतलब नई पहली बार जो है गार्डन वगैरह देखे, ऐसे भी इनको इधर उधर फिरने का, मस्ती वस्ती करने का बहुत शौक है, और घर हमारा छोटा है ना, तो ज़्यादा इधर उधर फिर नहीं सकते, बस जो चीज़ें उनके भी चढ़ते हैं। तो मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा जो है इतनी उनको जगह दिखेगी वहाँ पर, तो कितना इंजॉय करेंगे, तो ऐसा। हालांकि जो हम दूसरे वाले गार्डन में गए थे ना, तो वहाँ पर से भी बाबू का आने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, उनको वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एकदम खुला खुला सा था, और आने जाने वॉक के लिए जो रास्ते बने होते हैं वो सब ना, तो वहीं पर भी जो बाबू का मन लग गया था। लेकिन वहाँ ना बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बस एक ही लाइट जल रहा था, और उस लाइट के नीचे ना सारे जो है लोग बैठे हुए थे। खैर कोई नहीं, चले अभी बना लेते हैं खाना, और बर्तन तो हमारे थोड़े से ही है, जो हम जल्दी जल्दी में बस चाय के बर्तन छोड़ के गए थे ना, तो बस उतने ही बर्तन हैं, तो बर्तन हम अभी नहीं धुलेंगे, रात के खाने के साथ ही जो है बर्तन भी धुलेंगे। और ना कल पता नहीं मेरी ये ना देखिए उंगली में आपको नज़र आएगा भी या नहीं, तो उसका ना ये जो क्या बोलते हैं उसको, नाखून के बाजू से जो चमड़ी निकलती है ना, तो ऐसी चमड़ी निकलेगी, हालांकि ना निकली इतनी सी है, लेकिन तकलीफ ना इतना ज़्यादा हो रही है बर्तन वर्तन धोने में ना, बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें दर्द हो रहा था, तो हम सोच रहे थे बैंडेड भी मंगा लेते हैं। तो चले चलते हैं किचन में, पहला हम खिचड़ी डाल देंगे और ठेसा बनाते हैं, उसके बाद जो है बाकी के काम हमारे करते हैं। और जो कोई भी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जो है जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो ऐसा प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मिर्ची हमने भून ली, और ये है हमारा इधर लहसुन, और ये रहा हमारे टमाटर।
तो जी अभी देखिए यहाँ पर हमने लगाया था मिक्सर और हमें ना लगा कि लहसुन जो है थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, तो बस और जो है थोड़ा सा हमने लहसुन छिला। और कभी कभी ना हम मिक्सर में जो है हमारी मिर्ची पीस लेते हैं या फिर कभी खलबत्ते में कूटते हैं तो ऐसा। और अभी हमारा ठेसा यहाँ पर पक रहा था, तब तक हम जो है हमारे चावल भी निकाल लेंगे ताकि हम साथ साथ चावल की भी सफाई करके रख दें। तो चावल ना हम गिन के ही जो है लेते हैं क्योंकि हमें अंदाज से पानी नहीं डालना आता ना, तो चावल हम गिन के लेते हैं और उस हिसाब से फिर हम उसमें पानी डालते हैं। तो 1.5 गिलास हमने चावल लिया था और 3 गिलास पानी डालेंगे, तो ऐसा। और अभी यहाँ पर देखिए हमने चावल हमारे जो है कुकर में धुल के डाल दिए थे और अभी हम इसमें डाल देंगे हमारा तेल, नमक और हल्दी। तो सादा तुअर दाल वाली खिचड़ी बना रहे थे हम, और अभी ना हम आपको बता रहे थे इसका चम्मच, तो ये छोटे वाला चम्मच जो हमने उस दिन आइसक्रीम का चम्मच ना इसमें रख लिया था, बड़े वाले से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी तो उसका ढक्कन नहीं लग रहा था ना, तो बस चालू चालू के लिए याला रखा था तो बस वही उसमें रह गया है। तो हमने ना 2-3 बार जो है इसमें नमक डाला तो इसलिए हमने आपको बता दिया चम्मच कि ये बहुत छोटा है। ये देखिए ये तेल ढकने की चलनी, ये गिर गई थी रैक के पीछे तो हमने इस पर ढक दिया था ये वाली चलनी चावल छानने की, तो ये अभी मिल गई, इसको ढक देंगे इस पर। और वैसे ना बर्तन धोने का हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ हमारी खिचड़ी जब तक 1 सीटी होंगी तो उसके बाद हम गैस धीमी करेंगे, तो तब तक हम बर्तन धुल लेते हैं, इतने से तो है चाय के, रात में फिर और ज़्यादा हो जाएंगे, तो चलो बर्तन धुल लेते हैं। बॉडी लोशन है, ये 2 साल पुराना है, तो नहीं सॉरी 1 साल पुराना है, इसकी डेट है, लेकिन ना हमें यूज़ करने में डर लग रहा था क्योंकि ये ना देखिए कितना पतला हो गया, एकदम ना पानी जैसा हो गया, तो ये बाबू की वजह से मैं इधर छुपा कर रखा था, फिर बाबू इधर आ गए तो हमने इधर छुपा कर रख दिया था इसको ना, हम सोच रहे थे हम इसे फेंक देंगे। तो जी देखिए अभी फटाफट से हमारे बर्तन भी जो है धुल गए हैं, बस अभी हम ये बर्तन इधर एक साइड पे रख देंगे और गैस भी हम धीमा कर देंगे, 1 सीटी हो गई थी इसकी। तो जी बर्तन भी हमारे हो गए, खाना भी हमारा बन गया और अब हम यहाँ थोड़ा बैठेंगे और फिर करेंगे बाकी के काम, तो काम जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। इधर देखे सोफे का जो है क्या हाल है, ये देखिए अभी नागरा का बेड और ये उनका स्यूटर, तो इसकी क्लीनिंग करेंगे और बस बाबू आ जाएंगे, जब तक बाबू के आने के पहले हमें क्लीनिंग कर लेना पड़ेगी वरना फिर बाबू आ जाएंगे तो और टाइम पास हो जाता है बच्चों के साथ काम करने में। तो वैसे ना हमारा बहुत मन होता है कि हम किचन में आप लोगों के साथ बात करें, थोड़ा डर लगता है बात करने को क्योंकि नीचे का किचन जस्ट वहीं पर है ना, तो फिर आवाज़ जो है चली जाती है नीचे तो अगर आवाज़ सुनेंगे तो बोलेगी कि ये किससे बातें कर रहे हैं अकेले, क्योंकि फ़ोन पे तो हम ऐसी बात नहीं करते ना, तो बस इसलिए ना बहुत जो है अभी मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे से जो है बात कर रही थी कि नीचे आवाज़ ना जाए हमारी। ये देखिए हमारा नोज पीस आई आई, तो चले ये हम बाद में करेंगे, बाबू आ गए अभी आ रही है, 1 मिनट आ जा। तो अभी बाबू ना वापस जो है नीचे चले गए थे, तो चलिए यहाँ की भी सफाई करते हैं और कवर जो है लगा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए गैस हमने कर दिया है बंद क्योंकि 10 मिनट हो गया था खिचड़ी को जो है हमारी, तो गैस हमने बंद कर दिया। बता दूँ मैं आपको कि मैं ना अभी कुछ दिनों से इतना ज़्यादा डेयरिंग से ना
दरवाज़ा खुला है तब भी बात करती हूँ और इधर भी आ जाती हूँ कैमरा लेके। तो देखिए वजह ये है, ये सामने वाला घर जो देख रहे हैं ना आप, तो ये मेरी चाची सास का है, तो वो ना अभी है नहीं, वो गए हुए हैं सूरत, तो बस इसलिए हम इतना डेरिंग से इधर बात कर लेते हैं, वरना ना फिर पहले दरवाज़ा बंद करना पड़ता था और फिर जो है आप लोगों से मैं बात करती थी। तो अभी नहीं है तो आराम से बात कर रही हूँ। तो चलिए फिर इस व्लॉग को कर देंगे हम यहीं पर एंड, वरना व्लॉग बहुत ज़्यादा जो है बड़ा हो जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें और हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे और हर एक दिल जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।